स्वाद और सफाई बौद और वरफ्तगी वरफ्तगी का माना है कि बेखबरी फना इबादत की डेफिनेशन है ऐन नाल इज्जत इनकसारी जिन्हें कहते हैं बे नाल बंदगी अल्फ नाल आहद खुदा नु वादा उला शरीक बनना मतलब उधर दाल नाल दुरुस्ती तेरे नाल सोखा तेरी तरीका तेन कहते ने मैं सारी डेफिनेशन दस दूँ वो जी तरीका का मैंने तस्की है नफ्स अपने नफ्स नु मारना मतलब बाबे मैं खुश हो जाओ पर मैं बाद पता लगे कौन कोई रहा है कौन रख सकता है पहला बंदा जिन मैं इंटरव्यू देने मैं कभी किसी दिता तू मतलब रस्ते च किन्ने आने समा आले आने जिया जियो आले आने सब आने मैं पजा देना गल बचा के याद रखो ये मेरी ताकत नहीं इतावत की होगी मेरे खास श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक के मुर्शद उस जमाने के जबकि आपने अपनी किताब लिखा कि काश मैं दादा साहब की जबानी पैदा होता तो मैं इन्होंने हाथ से बैठ लूँ क्यों किसी जो अपना गौस पाक ने 70 साल छोटे दस साल लेकिन आप जिस जो श्री शक्ति रहमतुल्लाह एक दिन जाते हैं पागला के हस्पताल एक दिन जाते हैं जिस औरतों का मेला लगा हुआ विखदिया उठी मैं क्लैरिफिकेशन कर लगा कि मैं नहीं कुछ कर सकता करवादा वो जिस वक्त एक काली जी बुढ़ी आ गई तो रेट लगता है खूबसूरती उन्हें क्या यार कौन लवेगा फिर मजबूर हो गए तो कहते हैं चलो मैं ही ले लेंगे खरीद ली खरीद के रात में जनाब जले सुती चेक जैकी कर दे पिछली रात उठिए बोलो पानी कितने गीजर होंगे ठंडे पानी ने वजू किया वजू करके मसले से खड़ी होगी खड़ी होकर कहते या बारी साला तेन मेरे कि प्यार है तू बेहतर है मुल्क शिकायत फैलिया दूर कर दे फिर कहती जा बारी साला तू इस तरह करके बड़ी बीमारी साढ़े मुल्क फैल गई है तो तेन अपने प्यार की कसम जो मेरे करना है मेहरबानी हो तू सारी बीमारी जान दे श्री शक्ति रहा मतलब उठ गई आते बीपी ए नहीं हुआ करी दी है जाला मैंने तेरे बड़ा ही प्यार है कहती जा पर तू रात सारी लेफ च पड़ के तो मैं वेहना पिया कि भला की कर दी है मेरी रैकी करना तेन इस्ताथ नहीं उन्हें दी इस्ताथ नहीं दी कि उठे तू मसले से खड़े हो जाए मेनू खड़ा करने वाला वह जे वह मेरे प्यार करता तो वेखनी दोनों गल्ला वड्डे पूरी हो जाए सुबह जनाब कैद भी दूर हो गया मारे मेरी ताकत नहीं ताकत देने वाले अगर इफ यू वांट टू बिकम समथिंग इन फ्यूचर यू मस्ट हैव टू टेक ओबे यू मस्ट हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ योर पेरेंट्स माँ बाप की खिदमत करो जिन्हें माँ बाप बनने मत बैठो वो किसी पीर दे चुप करके आराम की खिदमत करो कानून सब कुछ माँ बाप की खिदमत से लग जाएगा किताब तो नहीं फड़ाई जाएगी किताब को रहेगी लेकिन खिदमत दस रहा यार अवैस करनी रहा नबी नहीं माँ की खिदमत करके किस मुकाम तक पहुंच गया आपने साफ कहता अपना आयशा सदी कर रही है नबी सलाम नहीं देखा जो आप कहने किताब ही लिख देना क्या आपने क्या आयशा कोई रजी अल्लाह ताला था क्या कोई आया सी तेरी नजर में पता नहीं आया की ना सी आयस वो तुम देखिया सी कहीं मोरी रा वेखने से कहने के तो फिर तू देखिया थे तू जंती मैं तेन वेखना मैं जंती तो जो क्या सुहाबा करा तुम मैंने वेख लो तो मैं हाले तो औलाद ने मालिक सा चल गया और कोई गल हुई है क्या हाँ मैं उन्होंने पूछा सी तू नबी सलाम देखिया तो मैं आख्या मैं तो रोजाना भी नहीं हाँ उन्होंने कहा नहीं उन्होंने कहा आयशा रजी अल्लाह ताला कि वाकई गल ठीक है मेरे चेहरे एक पर्दा चाक हो जाए तेन गश पै जाए असल मैं नहीं तो खिदमत की थी मां की यार इतने कख नहीं लगता इतने कुछ नहीं जे इना कख नहीं तुम देना जनाब लुट के लैके जाते पै तुम की करोगे तुहां वे फलूते देने तुहां साढ़े झंडे थे तुहानू अपना झंडा नहीं लभना तुम कड़े पाट उड़े हो झंडा नबी सलम का ही होना चुप करके माँ बाप की खिदमत करो माँ बाप मैं आई डोंट वांट टू प्रेज माई सेल्फ मैं सारी जिंदगी अपनी मां पीछा नहीं किया सारी जिंदगी हूं मेरी मां कबर से मैं फिर मैं कहना मेरी मां जिंदा मैं फिर भी नहीं पीछा करता मैंने वो दुआव ना सबसे बेशक क्योंकि किसी चीज की मेरे को कमी नहीं है और भैड़ो दे लॉस प्यार करने वाला और बेशक अगर प्यार करें साथी लब दो बैठे ब्राह्मण का से भी इन्हें प्यार करो ये साथी बन जाएंगे और जरा वेला बह जाएगा ए जरा नेकियां लिखता फिर नेकियां लिख लेके उत्ते भेजेगा गाना कागज भर लेंगे अगर तुम मतलब लव करने वाला कोई नहीं लगता छोड़ो मजाजी इश्क ए दो जिसमें मिलाप प्यार करना जे लव करना तो कुरान नाल करो सुभान अल्लाह कुरान नाले समझाएगा नाले प्यार करेगा बेशक।
ਉਦੋਂ ਜੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵੇ अगर किसी मौलवी बन गए तो किसी ने किसी मौलवी ने तुहानू मार छड़ना फिर किधर जाओ तो बेहतर तरीका कर दे और भैड़े हो माँ बाप की खिदमत करो माँ बाप का अदब करो जो मेरे को बंदा आ जाएगा जी बहस कर लो मैं ना माँ बाप है नी कहते जाओ तू ना भज जा 40 साल तुम मुर्शद दी जुतियां सीधियां कर लो 40 साल एक टंग से इबादत कर लो 40 साल सखावत कर लो तुहाड़ी बख्शिश नहीं होनी तुम माँ बाप के ना फरमाओ भुज जाओ बड़ी ऑथेंटिकेटेड हदीस है जमाने से कौर एक बच्चा मरदा फिर जिंदा होने मरदा फिर जिंदा होने आपने कहा चुपके दिमाग को लैस मुझे उन्हें बख्श दे उन्हें कहा नहीं बख्शना उन्हें कहा तुम सी उस हो जिन्होंने मुशरकी ने मक्का जमीन दरगोश करते थे लेकिन अज मैं तेरा दर्जा बाप ने तेरे दर्जे उत्ते इन्हू नहीं बख्शेंगी जो मैं मुंह दिखा के नमाज छड़िया ये जड़ी मतलब तेरे दर्जे गिर जाने उन्हें कहा जी नहीं बख्शना कहते चलो बस ठीक है लिया जी लकड़ियां लकड़ियां लिया जो जनाब अग लाई सट्टन लगे तो माँ की ममता जिंदा होगी जिंदा मैं वैसे ना सटो जा माफ किया एटलीस्ट पार्ट होती जान निकल जान निकल फिर किड़ा किड़ा वड्डा मुर्शिद जे बिल्कुल माँ बाप माँ बाप तो जिस जो ना फरमान होना थे कोई दुनिया की अगर इवन एंड इवन के लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी पाने अगर वो जड़े ने वो अगर तो मतलब नहीं बख्शवा कर सकते हैं बख्श भी सकते हैं उसकी जान भी काट सकते हैं लेकिन उन्होंने मां का दर्जा उठे रखे तो जे ये पैगम्बर लो लाख के मालिक होने के बावजूद आखिरी पैगम्बर होने के बावजूद नबूवत मोहम्मद खत्म होने के बावजूद नहीं किया उन्होंने नहीं किया मसले के तौर दसो होर तो नहीं बख्शवा लेंगे है छो पर इन्होंने चुप करके मैं फिर मैं दसागा कि मैं मैंने जिन्हें पैसे लोग देंगे ने क्योंकि मैं डॉक्टर हूं मैं पैसे हजारा दुनिया की मैं दवाई देना मैं मुफ्त मैं किसी डॉक्टर से बात उस बाद शेरगढ़ हर महीने आकर देख लो हर महीने ये लाइना लगी ने एक मेजर अवैस मतलब उन्हें मेरा बैग फड़िया होंगे जो अपने कापी कट कट के दे जाए वो वे वे 100-100 छोटे 50-50 तो बाकी लाइना लगी ने बच्चों जनाब 20-30 रुपये दे जा रहे हो उधर लंगर भी खुवाना दवाइया भी मुफ्त देना पैसे भी मुफ्त बनना नक्श भी मुफ्त बनना मेरी परहेज नहीं और फरमाना क्योंकि मैं उस पॉइंट से अमल कर रहा हाँ कि वन छड़ो तो बंदगी खास छड़ो गंदगी जिसमानी की लास्ट पैराग्राफ हम आए थैंक यू बहुत शुक्रिया साहब आपका आपने टाइम दिया हमें बड़ी स्पीड ला रहा सलाम ले लो जो लैना ये बोलो 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 सही झूलेलाल कलंदर बाबू
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ दो दाने तोड़ भी लाया।